राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित पुस्तक मिलकर सोचें पर आधारित किशोर बच्चों के नैतिक विकास हेतु ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला। इस श्रृंखला में आज प्रस्तुत है कार्यक्रम धर्म। रवि 14 वर्ष का एक संवेदनशील लड़का था। 8-9 साल की उम्र से ही उसके मन में किसी अज्ञात वस्तु के लिए एक गहरी भावना थी और ये भावना बनी रही। सूर्योदय के समय, अकेले चलते समय, संगीत सुनते समय, किसी पौधे की देखभाल करते समय उसके अंदर एक ललक उठती कि वो ये पता करे कि भगवान कहाँ रहता है, क्या किसी ने उसे देखा है इत्यादि। वो देखता कि किस प्रकार शाम तक गुलाब का फूल मुरझा जाता है, कैसे हर प्रकार के जीवन का अंत हो जाता है। जब वो कक्षा में नहीं होता तो सदा अकेले ही रहता। उसकी माँ एक धर्मपरायण हिंदू थी और पास के एक मंदिर में नियमित रूप से प्रार्थना करने जाती। रवि भी कभी कभी शाम को उसके साथ जाता। उसे मूर्ति के चारों तरफ का वातावरण बहुत सुंदर लगता। मंदिर के दीप, अगरबत्ती और सुंदर तथा पवित्र आरती उसके मन को छू लेते। वो सोचता, क्या ईश्वर उस प्रतिमा के अंदर है? और यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो वो केवल पत्थर की मूर्तियों के अंदर क्यों रहता है? क्या ईश्वर आदमी के समान ही कोई है? ये प्रश्न उसे प्रायः कचोटते रहते। उसकी बहन ने एक ईसाई के साथ गिरजाघर में शादी की थी। उस दिन रवि भी वहीं था। गिरजाघर की सुंदर व्यवस्था, पवित्रता, गीत और सादे समारोह ने उसे बहुत प्रभावित किया। गिरजाघर के गुंबदों की सुंदरता, मोमबत्तियों की रोशनी ने उसे नई अनुभूति दी थी। उसके मन में प्रश्न उठा कि क्या ईश्वर केवल यहीं रहता है? वे उसे मुक्तिदाता कहकर क्यों पुकारते हैं? उस दिन सोने से पहले उसने बाइबल के कुछ अंश पढ़े। रवि के घर के पास एक मस्जिद थी। अपने घर की छत से दोपहर के समय वो हजारों लोगों को घुटने टेके प्रार्थना में लीन देखता और उनकी तन्मयता और प्रार्थना की गूंज उसके दिल को छू लेती। क्या इस्लाम उसके प्रश्न का उत्तर दे सकता है? वो सोचता। रवि का सबसे अच्छा मित्र एक मुसलमान लड़का था। उसका नाम कासिम था। कासिम के पिता ने उसे समझाया कि इस्लाम शब्द का अर्थ है शांति। मुसलमानों का ये विश्वास है कि सारे मनुष्य भाई भाई हैं और उन्हें शांति से मिलजुल कर रहना चाहिए। स्कूल में अपनी इतिहास की कक्षा में रवि ने राजकुमार सिद्धार्थ की कहानी पढ़ी थी। उसने पढ़ा था कि किस प्रकार सिद्धार्थ ने सारे राजकीय सुखों का त्याग किया, अपनी पत्नी तथा बच्चे का त्याग किया और
सब कुछ त्याग कर सत्य की खोज में जंगल चले गए। वे उस सत्य की खोज में थे जो सारी मानवता को मुक्ति दिला सके। उन्हें वह सत्य प्राप्त हुआ और अब सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के नाम से जाने गए। बुद्ध जिन्होंने अपना धर्म सारे संसार को दिया। धम्म ने लोगों को यह बताया कि मनुष्य के दुखों का मूल कारण क्या है और उन्होंने दुखों से बचने का मार्ग भी बताया। रवि की टेबल पर बुद्ध की एक छोटी सी मूर्ति थी और उस मूर्ति की शांत तथा सौम्य मुद्रा रवि को बहुत प्रभावित करती। स्कूल में उसने गुरु नानक के बारे में पढ़ा था। सिखों के धर्म, उसकी गहराई और महानता के बारे में भी पढ़ा था। इस धर्म द्वारा दिए गए शांति तथा प्रेम के संदेश और मानवता के प्रति प्यार के संदेश के बारे में भी रवि ने पढ़ा था। उसने जैन धर्म के गुरु महावीर के विषय में भी पढ़ा था, जिन्होंने सभी जीवों के प्रति आदर का संदेश दिया था। हर धर्म के पीछे मनुष्य की कुछ महान गुणों और उच्च आदर्शों को प्राप्त करने की मनुष्य की लालसा स्पष्ट थी। हर धर्म में दया और भाईचारे का संदेश था। रवि ये सोचकर बड़ी उलझन में पड़ जाता था कि क्यों अलग अलग धर्मों के लोगों के बीच खून खराबा होता है, जबकि हर धर्म के गुरुओं ने भाईचारे, प्रेम और किसी को चोट न पहुंचाने की बात कही है। उसके माता पिता ये देखकर बड़े गर्व का अनुभव करते थे कि ऐसी छोटी सी उम्र में वो इतना समझदार है। कभी कभी कक्षा में उसे दार्शनिक कहकर पुकारा जाता था। उसका आदर सभी लोग करते थे। एक बार रवि की उसके पिता के साथ एक गंभीर बहस छिड़ गई। उसके पिता विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र में पढ़ाते थे कि विभिन्न धर्म क्या कहते हैं, उनमें क्या समानता है। उसके पिताजी ने समझाया कि केवल धर्म के बाहरी रूप अलग हैं, जैसे कर्मकांड अलग हैं, पूजा के स्थान अलग हैं, त्योहारों तथा रीति रिवाजों में भी अंतर है, परंतु ये केवल बाहरी अंतर है। सभी धर्मों के मूल में यही भावना है कि सभी मनुष्य एक हैं और उनका संदेश भी यही है कि हम सबको प्रेम और शांति से रहना चाहिए। सभी धर्म ये कहते हैं कि इस संसार की हर वस्तु नश्वर है। जो पैदा होता है वो मरता है। परिवर्तन ही जीवन का नियम है। रवि सुनता रहा और सोचने लगा कि किस प्रकार वो स्वयं सत्य की खोज करे। रवि के एक चाचा थे जो बड़े प्यार से उसे समझाते कि उनके विचार में ईश्वर एक परम शक्ति है जो विश्व के हर प्राणी में समाहित है। मनुष्य के मन में सदा इस बात की ललक होती है कि वो आत्म केंद्रित जीवन की छोटी छोटी बातों से ऊपर उठकर उस शक्ति से एक हो सके। उन्होंने बताया कि इस महान शक्ति को मंदिरों या अन्य पूजा स्थलों तक ही सीमित नहीं रखा जा सकता। उनकी दृष्टि में अन्य मनुष्यों, पेड़ पौधों तथा पशु पक्षियों की सेवा और देखभाल ही सबसे बड़ा धर्म है। अपने चाचा की बातों को सुनकर रवि को लगा कि उनकी बातों में बहुत सार्थकता है।
किंतु वो उन अंधविश्वासों के बारे में चिंतित था जो हर धर्म के साथ जुड़ गए थे। वो इसका वैज्ञानिक आधार चाहता था। वो किसी एक व्यक्ति या समूह के विश्वास का अंधानुकरण नहीं करना चाहता था। एक बार रवि को स्कूल के पुस्तकालय में धर्मों के इतिहास पर एक किताब मिली और अपने अध्ययन के घंटे में उसने उसे उलट पलट कर देखा। उसने एक दिलचस्प बात पढ़ी। जब आदिमानव ने अनंत आकाश को देखा और बिजली के कड़कने तथा बादल के गरजने को प्रकृति का कुपित रूप माना तो उसके मन में भय उत्पन्न हुआ और उसने प्रकृति की पूजा करनी आरंभ कर दी। उसने प्रकृति का अनोखा रूप सूर्योदय, सूर्यास्त, मौसम और अनंत सागर में देखा और उसने प्रकृति के साथ अपनत्व का अनुभव किया। आदिमानव ने प्रकृति पर विजय पाने की कभी कोशिश नहीं की। उसने आकाश और तारों, पेड़ पौधों, मछलियों, मुर्गियों, सागर तथा नदियों से गहरे संबंध का अनुभव किया। प्राचीन भारत के मनुष्य के मन में हर प्राणी के प्रति श्रद्धा थी। यही उनके धार्मिक विचारों का आधार था। रवि इन विचारों से बहुत प्रभावित हुआ। उसने सोचा, सच ही तो है, प्रकृति के साथ अपने संबंधों के विषय में जानना ही सत्य की खोज का पहला कदम है। क्या तुमने कभी जीवन पर गंभीरता से विचार किया है? क्या तुम्हें नहीं लगता कि जीवन में धर्म का बहुत महत्व है? ग्रह तथा अंतरिक्ष के जीवन का अध्ययन करने वाले बड़े बड़े वैज्ञानिकों को भी इस सृष्टि में व्याप्त आंतरिक शक्ति की झलक मिलने लगी है। अगर तुम भी रवि जैसा सोचते हो तो खोज की इस भावना को दबाओ मत। जीवन का अर्थ समझने का प्रयत्न करो। धर्म। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय संयोजन एवं आलेख अहिल्याचारी, अनुवाद राजी रमणन, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, वाचन स्वर शरद तिवारी, तकनीकी निर्देशन सतीश लाड़े, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।